आज हम आर्क वेल्डिंग द्वारा टी जॉइंट बनाएंगे। आर्क वेल्डिंग द्वारा टी जॉइंट बनाना, आज हम आर्क वेल्डिंग द्वारा टी जॉइंट बनाएंगे। इसके अंदर मटेरियल लेंगे एमएस फ्लैट, बड़ी पत्ती, एमएस की बड़ी पत्ती में से, बड़ी फ्लैट में से 10 mm गुना 50 mm गुना 150 mm के दो पीस काटेंगे। फिर इसमें करंट सेट करते हैं, जो वेल्डिंग ट्रांसफार्मर है उसके अंदर हम करंट सेट करते हैं 90 से 120 एम्पियर, और इसमें इलेक्ट्रोड काम में लेते हैं 3.5 mm 3.15 mm डाया फ्लक्स कोटेड। उपकरण औजार, इसके अंदर वेल्डिंग ट्रांसफार्मर, हेक्सा फ्रेम, स्टील स्केल, चिपिंग हैमर, स्टील वायर ब्रश, स्क्राइबर, फ्लैट फाइल बास्टर्ड, ट्राई स्क्वायर यानी गुनिया, बेंच वाइस, एनविल, फाइबर हैंड स्क्रीन यानी फाइबर हेलमेट टाइप की स्क्रीन काम में लेंगे। विधि, सर्वप्रथम दिए गए नाप के अनुसार एमएस फ्लैट में से दो पीस काटेंगे, हेक्सा द्वारा काटेंगे। फ्लैट फाइल बास्टर्ड द्वारा कटे हुए माइल्ड स्टील के टुकड़ों को चारों ओर फाइलिंग करके सभी कोणों को 90 डिग्री तक करते हैं, ताकि चारों कोण बराबर में रहे, हमारे पीस एकदम फाइलिंग के द्वारा फिनिशिंग के हो जाए। एमएस फ्लैट के एक पीस को दोनों तरफ थोड़ी फाइलिंग करते हैं, ताकि वेल्डिंग दोनों पीसों के मध्य आसानी से भर सके। जैसे एक पीस हम इसके ऊपर रखते हैं, ये लंबाई वाला जो पीस है उसके ऊपर हम सीधा ऐसे दूसरा पीस रखेंगे, उसके दोनों तरफ के किनारे तिरछे करते हैं फाइलिंग द्वारा, ताकि वेल्डिंग इसके अंदर गहराई तक जा सके और मजबूत जोड़ हमारा बन सके। एक पीस को वेल्डिंग टेबल पर रख करके दूसरा पीस उसके ऊपर लंबाई में रखते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बता दिया, इसको लंबाई में इसीलिए रखते हैं ताकि उसको आसानी से उसके ऊपर उल्टा टी जॉइंट बन जाए। टेकिंग करते समय ऊपर वाले पीस को हल्का तिरछा रखते हैं, ताकि टेकिंग के बाद स्थिति में आ जाए। टेकिंग से पूर्व हम इस पीस को थोड़ा तिरछा रखते हैं, जैसे ही हम टेकिंग करेंगे, एक किनारे यहाँ एक किनारे यहाँ टेकिंग करेंगे, तो वो अपनी बिल्कुल 90 डिग्री एंगल में आ जाएगा। इससे डिस्टॉर्शंस से हम बच सकते हैं, बिल्कुल हमारी सही स्थिति जॉब की हो सकती है, और दोनों तरफ हम टेकिंग करते हैं। टेकिंग करते समय ऊपर वाले पीस को हल्का तिरछा रखते हैं, ताकि टेकिंग के बाद सही स्थिति में आ जाए। जैसा कि मैंने अभी बताया, इलेक्ट्रोड वेल्डिंग लाइन के साथ 70 डिग्री के आसपास रख करके वेल्डिंग करते हैं। इलेक्ट्रोड 70 डिग्री के आसपास रख करके इस टाइप से इसको रख करके हम यहाँ वेल्डिंग करते हैं। ये टी जॉइंट का हमारा डायग्राम है, इसके अनुसार जैसे मैं वेल्डिंग अभी आपको थोड़ा बता रहा हूँ, इस हिसाब ऐसे करते हैं तो ऐसे हैं, लेकिन मैं इस हिसाब से इसको थोड़ा कागज के ऊपर बता रहा हूँ, ये ऐसे, ये इस प्रकार से ये वेल्डिंग, ये हम इस प्रकार से वेल्डिंग करते हैं। ऐसे करते हुए धीरे 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 सही प्रकार से इसके दोनों तरफ, इस जॉइंट के दोनों तरफ हम वेल्डिंग करते हैं, रखकर वेल्डिंग करते हैं। गरम जोब को टोंग से पकड़कर एनविल पर रख करके धीरे धीरे चिपिंग करेंगे, चिपिंग करते हैं ताकि उसके ऊपर से स्लेग आसानी से उतर जाए। गर्म जॉब होता है उसको हम सडासी से पकड़ करके एनविल पर रख के चिपिंग हैमर से हल्के हल्के हाथ से उसका जो ऊपर जो स्लेग होता है उसको उतार देते हैं, फिर हम स्टील वायर से वायर ब्रश से उसको साफ कर देते हैं। इस प्रकार हमारा टी जॉइंट तैयार हो गया। किसी भी जॉब को बनाते समय या शुरू करते समय सावधानियों का होना अति आवश्यक है, क्योंकि सावधानियां यदि हम नहीं रखेंगे तो हमारे शरीर को नुकसान पहुंच सकता है, और जो जॉब बनाने जा रहे हैं वो भी हमारा सही नहीं बनेगा। जैसे इस जॉब के अंदर मुख्य रूप से सावधानी है कि गर्म जॉब को हमेशा संडासी से पकड़ना चाहिए। ये बार बार इसलिए बताया जाता है कि हमें सावधान होना जरूरी है, क्योंकि हम जल्दबाजी के अंदर उसको हम नंगे हाथों से उसको पकड़ लेते हैं, इसलिए उसको संडासी से ही पकड़ना चाहिए। वेल्डिंग करते समय फाइबर
स्क्रीन यानी हेलमेट टाइप का, इस टी जॉइंट बनाने के लिए हमें हेलमेट टाइप का स्क्रीन काम में लेंगे। और फाइबर का मतलब होता है कि आग रोधी, उसमें किसी प्रकार की आग की चिंगारियों का असर नहीं होता और उसमें से जो अल्ट्रावायलेट किरणें वगैरह वेल्डिंग करते समय जो होती है उस हानिकारक किरणों से भी हमारी बचाव करता है ये स्क्रीन। और जो जो जंग के और वेल्डिंग के टुकड़े उछल करके हमारी आँख में न गिर जाए उससे भी हमारी सुरक्षा करता है। फाइबर स्क्रीन यानी हेलमेट टाइप का इसलिए भी हम और इस्तेमाल उसका करते हैं क्योंकि वेल्डिंग करते समय जो आर्क का टेम्परेचर होता है वो 4000 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग होता है। इतने टेम्परेचर को हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते, इसलिए अति आवश्यक है कि चाहे फाइबर हैंड स्क्रीन हो चाहे हेलमेट टाइप का, यहाँ पर हम हेलमेट टाइप की ही फाइबर हैंड स्क्रीन काम में ली है। और उसके बाद में हम चिपिंग करते हैं। चिपिंग करते समय चिपिंग गॉगल्स का प्रयोग करना चाहिए। एक पूरा पैकिंग का चश्मा होता है गॉगल्स, जिसमें कोई चिंगारी उछल करके कोई जंग के टुकड़े भी नहीं जाए और वेल्डिंग के टुकड़े भी हमारी आंखों में नहीं गिर जाए, क्योंकि चिपिंग करते समय हम स्लेब को उतारते हैं, चिपिंग से स्लेब उतारते हैं, तो उस टाइम हमें चिपिंग गॉगल्स का उपयोग जरूरी करना है। हाथों में दस्तानों का उपयोग करना चाहिए। दस्ताने इसलिए होना चाहिए कि करंट वगैरह भी नहीं आ जाए और गर्म चीज को हम हल्का फुल्का अगर पकड़े तो भी हमारे हाथ वगैरह न जले।